चलो सो लेट मी राइट वन क्वेश्चन. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल. ठीक है, अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई एरर इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. लेट मी राइट दिस सेंटेंस. ओके, आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर वन इज दैट शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज. शी इज ऑफन coming to me on Sundays. Okay, she is coming to me on Sundays. So see, in this particular question, she is often coming to me on Sundays. ठीक है, आपको you have to identify that what kind of sentence is this. Okay, किस तरीके का action इसमें हो रहा है. Basically this is a tense based. ओके, सो आई एम गिविंग यू सम मिसलेनियस क्वेश्चन. ओके, इसमें आई एम गिविंग दिस इज अ मिसलेनियस प्रॉब्लम. ठीक है, सारे जो जो एक्सपेक्ट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू कवर. ठीक है, अच्छा तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज. नाउ इट इज अ मिसलेनियस प्रॉब्लम. ठीक है, अब मिसलेनियस पूछ रहा हूँ मैं आपसे. मिसलेनियस का मतलब है मिक्स है. इसमें टेंस बेस्ड भी हो सकता है, नाउन बेस्ड भी हो सकता है, वर्ब बेस्ड भी हो सकता है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो हम देखेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें है शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज. अच्छा बेटा सी, ये जो एडवर्ब है ना, ये जो ऑफन, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी बताता है. फ्रिक्वेंसी अलग अलग फ्रिक्वेंसी बताता है. ठीक है, ऑलवेज भी है जो फ्रिक्वेंसी बताता है, ओकेजनली भी है. तो इनका अपना अपना परसेंटेज है. ठीक है, ऑफन का मतलब होता है बार बार. Often this keyword is used. This keyword is used. Do remember this word. This keyword is used for habitual action. For habitual action. ठीक है, जितने भी habitual actions हैं. For example, she is often coming to me on Sundays. का मतलब वो बार बार संडे वो आती है. ठीक है, so उसकी habit है. और सारे habitual actions हम लोग कौन से tense में लिखते हैं? We write it in simple present tense. We write it in simple present tense. Okay. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सारे हैबिचुअल एक्शन लिखते हैं. तो क्या हो जाएगा? शी इज कट जाएगा. ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द सिंटेक्स. तो सब्जेक्ट के बाद इज तो आएगा नहीं. शी ऑफन कमिंग, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. शी इज, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यू हैव टू एड एस और ईएस विद द मेन वर्ब. सो शी ऑफन कमिंग नहीं होगा, शी ऑफन कम्स. शुक्ला इज एब्सोल्युटली राइट. शी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज. ओके, शी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज. वेरी इजी. अच्छा क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू इज ऑल अबाउट, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू है, मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए. She just completed the letter then. THEN. She just completed the letter then. इसमें क्या एरर है? Who is going to tell me now? अच्छा अब टेंसेज में, as you have seen, I think you have seen my video. टेंसेज में थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेज बेस्ड फ्रॉम अ डायग्राम अप्रोच. ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा कोई कह रहा है कि सर हैज आएगा, शी हैज आएगा. कोई कह रहा है शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन. ओके, अब नाउ see in this question, this is very important. ठीक है, this is very important. ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना. अगर यहां पर then नहीं होता, अगर यहां पर then नहीं होता, ठीक है, मैं आपको दोनों पहलू बता रहा हूं. सपोज यहां पर then नहीं होता, then यहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. then मतलब तब, तब बोलते ना, तब मैं तब गया था. ओके,
अच्छा अगर यहाँ पर देन नहीं होता, टाइम मेंशन नहीं होता, शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर होता, शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर का मतलब क्या है, उसने अभी अभी लेटर कंप्लीट किया है, अभी अभी लेटर कंप्लीट किया है मतलब एक्शन जस्ट हैपेंड, एक्शन जस्ट हैपेंड का मतलब है उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता हैज हैव फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो यहां पर क्या आता, सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो क्या आता, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड द लेटर, ठीक है, तब आता हैज जब यहां पर देन नहीं होता, लेकिन अब यहां पर तो देन भी है, अच्छा यहां पर तो देन भी है, तो बात तो तब की हो रही है, बात तो अब की नहीं हो रही, ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट में हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जब बात अभी तक पहुंचती है, मैं अभी की बात कर रहा हूं, नाउ की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट सीन द मूवी, मैंने अभी अभी मूवी देखी है, अभी आ रहा है ना यहां पर अभी, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा मैंने तब मूवी देखी, तब मैंने तब मूवी देखी, अगर मैं बोलूंगा मैंने अभी अभी मूवी देखी, दोनों ही एक्शंस पास्ट के हैं, लेकिन एक एक्शन रिसेंटली हुआ है, मैंने अभी अभी मूवी देखी मतलब अभी अभी, अगर मैंने तब मूवी देखी, इन दैट केस क्योंकि बात अभी तक नहीं आ रही है, बात नाउ तक नहीं आ रही है, जब बात अभी तक नहीं आती ना तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखते, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो ये होगा, अच्छा जरूरी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट में हम वही बातें लिखते हैं जो अभी तक नहीं आ रही, पास्ट परफेक्ट में हम लोग एक्शन प्रायर टू अनदर एक्शन भी लिखते हैं, तो उसके लिए टेंस जानना जरूरी है, ठीक है। तो क्या होगा, शी हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, ये उन्हीं को समझ में आएगा, ये लॉजिक उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने एक बार टेंस पढ़ा है, टेंसेस पढ़ना बड़ा जरूरी है, ठीक है। हैड क्यों आया, क्योंकि यहां पर तब टाइम दिया, अभी तक नहीं आई, बात अभी तक नहीं आई तो हम कैसे उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, बात रखना है, बात याद रखना, मैंने यहां पर देन दिया है, अगर देन नहीं होता तो हैज आता, क्योंकि देन भी है तब की बात हो, हैड। अच्छा नंबर थ्री, अभी ऐसे और करते हैं, ठीक है, जिसको लग रहा है कि यार इट्स गोइंग टू बी टफ, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी टफ, बट अभी हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे और स्लोली स्लोली यू विल सी कि इट्स इजी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री में, हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, इट केम टू माई नोटिस लेटली, इट केम टू माई नोटिस लेटली, इट केम टू माई नोटिस लेटली, सो इट केम टू माई नोटिस लेटली, इतना तो समझ में आ रहा है, तो मैंने इंग्लिश में ही बोला, ओके दिस आई हैव सेड इन इंग्लिश ओनली, इट केम टू माई नोटिस लेटली। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटली, पहले आपको ये समझना है, ठीक है। लेटली का मतलब लोग बड़ा गलत समझते हैं, ध्यान रखना, लेटली का मतलब लेट नहीं होता, लेटली हो या ऑफ लेट हो, ठीक है, इसका मतलब होता है रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, रिसेंटली, डू रिमेम्बर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा थक कर कंफ्यूज जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली मतलब अभी अभी, मैंने अभी कहा था जब बात अभी अभी की हो तो उसको लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, जब बात अभी अभी की हो, रिसेंटली की बात हो तो उसको हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस को समझो, इट केम टू माई नोटिस लेटली, मतलब ये मेरे नोटिस में अभी अभी आया है, ठीक है, मुझे अभी अभी कुछ पता चला है। फॉर एग्जाम्पल कल पूरा भारत लॉकडाउन है, ठीक है, ये मुझे अभी अभी पता चला है, सो इट केम टू माई नोटिस लेटली, ठीक है, आप समझो कि क्या कहना चाह रहा है वो, इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, बट इट केम टू माई नोटिस लेटली का मतलब क्या है, मैं समझ गया कि मेरे नोटिस में अभी अभी आया है। जैसे मैं ये समझा कि ये कहना ये चाह रहा है कि ये मेरे नोटिस में अभी अभी आया है, तो एक्शन जस्ट हैपेंड मेरे दिमाग में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्शन अभी अभी हुआ है, ठीक है, नोटिस अभी अभी आया है, और एक्शन जस्ट हैपेंड को मैं लिखता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में, और जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट को रिकॉल करूंगा मेरा पूरा सिंटेक्स सामने आ जाएगा, हैज हैव फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो इट के बाद आएगा हैज, इट हैज, केम विल नॉट कम, थर्ड फॉर्म होती है कम, कम केम कम, इट हैज कम टू माई नोटिस, COME, इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली, मतलब मेरे नोटिस में अभी अभी आया है। याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट का सिंटेक्स है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिक्स क्वेश्चन करूंगा, डोंट वरी,
कुछ हम लोग टेंस बेस्ड भी कर लेते हैं, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, कुछ सिंपल भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स अ मिसलेनियस एक्सरसाइज, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे आज मिसलेनियस में, डोंट वरी। सिंस 1992, अगला सवाल है, सिंस 1992 देयर इज नो अर्थक्वेक्स हियर, there is no earthquakes here, दिख रहा है सभी को बोर्ड में अच्छे से? So see, since 1992 there is no earthquakes here. अच्छा, since always represents a point of time. मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1992 से अभी तक, 1992 से अभी तक देर इज अ प्रोग्रेसिव एक्शन जो पास्ट से अभी तक आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और एग्जाम्पल लिखूंगा, आई राइट वन मोर एग्जाम्पल सेम इसी तरीके का, अगर मैं आपसे लिखूँ कि मैं सुबह 9:48 से पढ़ा रहा हूँ और अभी तक पढ़ा रहा हूँ, सुबह 9:48, 9:48, ठीक है, 9:48 से मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी तक पढ़ा रहा हूँ, सो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो गया था और अभी तक चल रहा है और अभी भी चल रहा है. देर इज अ प्रोग्रेसिव एक्शन विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम 9:48 Till now and it is going on present, at present also. इस तरीके के actions को हम लोग present perfect continuous में लिखते हैं, action which has started in the past and still going on. तो since 1992 से मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, कोई earthquake नहीं देखे गए, ठीक है, okay? तो since 1992 there is no earthquake here, ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा इसको पूरा नहीं लिखूंगा, इसमें तो सिर्फ हमें correction करना है, ठीक है, तो कैसे होगा, सिंस 1992 देयर हैव फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देयर हैव बीन नो अर्थक्वेक्स हियर. अच्छा, ये चीज आपको समझनी है कि इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव एक्शन, ये कोई प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आने वाला, ठीक है, इट इज नॉट अ प्रोग्रेसिव एक्शन. ये सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि तब से लेकर 1992 से लेकर अभी तक इन विच प्रोग्रेसिव एक्शन इज नॉट इन्वॉल्व. जब बात अभी तक आती है तो उसको हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में. मैं ध्यान से देखना इस चीज को, मैं अभी आपको एक डायग्राम अप्रोच से भी बताता हूँ. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. सो सिंस 1992 देर हैव बीन नो अर्थक्वेक्स हियर, आई टेल यू, इसको आप समझो, इस अप्रोच में भी समझो, ठीक है, डायग्राम वाली अप्रोच भी समझो. अच्छा, एक चीज देख लो, इस डायग्राम वाली अप्रोच को समझ लो. मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ, ठीक है. ये आप सोचो कि ये नाव है, नाव, NOW, नाव मतलब प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट, प्रेजेंट से आगे है फ्यूचर, फ्यूचर से पहले है पास्ट. ध्यान से देखना इस चीज को, अगर कोई पास्ट से चीज चल के आ रही है, ठीक है, और वो प्रोग्रेसिव, उसका नेचर प्रोग्रेसिव नहीं है, और वो पास्ट से चल के चलते 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 प्रेजेंट तक आ रही है, तो इस तरीके के एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में. देयर इज नो प्रोग्रेसिव एक्शन, इट्स स्टेटिव, कोई प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं हो रहा, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को जानता हूँ, सो इट्स अ स्टेट. हाँ, मैं किसी को जानता हूँ, सपोज मैं अपने फ्रेंड को जानता हूँ, 2 साल से मैं अपने फ्रेंड को जानता हूँ, तो जानना इज नॉट अ प्रोग्रेसिव एक्शन, इट इज जस्ट अ स्टेट. तो पिछले 2 साल से मैं अपने दोस्त को जानता हूँ और अभी भी जानता हूँ, ऐसे स्टेटमेंट्स को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने वाले हैं, ठीक है. अच्छा, एक और डायग्राम बनाऊंगा, ये डायग्राम अप्रोच समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. एक और डायग्राम बनाऊंगा, फिर से यही लिखूंगा, ये प्रेजेंट है, नाउ, ठीक है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ठीक है. तो अगर कोई प्रोग्रेसिव एक्शन हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं और अभी तक पढ़ा रहा हूं, तो 9:48 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ये ऐसे बना रहा हूं मैं, ये प्रोग्रेसिव एक्शन है और अभी तक पढ़ा रहा हूं, बात अभी तक पहुंच रही है, इस तरीके के एक्शन को, ये भी कहां पर है, ये भी पास्ट में स्टार्ट हो गया और बात अभी तक पहुंच रही है, प्रेजेंट तक पहुंचा है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है. समझने की कोशिश करना कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर है डायग्राम वाइज. देखो, ये प्रोग्रेसिव एक्शन है, ये प्रोग्रेसिव एक्शन है, तो मैंने किस तरीके से दिखाया, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है ये, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है,
ये स्टेटिव है, स्टेटिव, स्टेटिव का मतलब है जहां पर कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है? ओके ओके, आई होप कि बच्चों को समझ में आया हो। ओके हाँ, बच्चों ने आंसर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया, आई हैव नोन हिम फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब यहाँ देखना, एक और आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा इसी तरीके का, यू विल कम टू नो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं लिखूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो आप समझ जाओगे आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। बताओ, टेल मी द आंसर फास्ट, लिखो इसे। अच्छा, आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं इंग्लिश सुबह से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। प्रोग्रेसिव एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हो और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सिंटेक्स क्या होता है? व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्योंकि परफेक्ट है तो हैज और हैव तो आएगा आएगा, प्लस प्लस क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म चाहिए तो एक हेल्पिंग वर्ब मुझे यूज करना पड़ेगा बीन, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम। उसी तरीके से आई एम नहीं आएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सो आई एम टीचिंग इंग्लिश नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा ना आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो आप समझ तो जाओगे कि सूरज सर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन दैट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो आपने पहले तो ये समझना है कि सेंटेंसेस, सेंटेंस में क्या कहा गया है, एंड देन आपको उससे टेंस को रिलेट करना है और उसका फिर जो एग्जैक्ट सिंटेक्स है वो देखना है, वो रूल देखना है और उसके अनुसार करेक्शन करने हैं आपने, ठीक है?